चांद की रोशनी खिड़की से अंदर झांक रही थी। तभी मैं हड़बड़ा कर नींद से जागा। मेरी जोर जोर से चल रही सांसों की आवाज शांत कमरे में गूंज रही थी। मैं अभी अभी एक भयानक सपने से जागा था। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था कि वो सपना था या हकीकत। मैं पसीने से भीगा हुआ था। कांपते हुए हाथ से मैंने बगल के नाइट स्टैंड से पानी का ग्लास उठाया और कुछ घूंट पिया। मन को शांत कर मैंने सपने को याद किया। सपने में मैं अपने पड़ोस के रास्ते पर चल रहा था। सड़क के स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रहे थे। निर्जन सड़क पर मैं धीरे धीरे चला जा रहा था। काली गहरी रात होने पर भी मैं घबराया हुआ नहीं था। इतने में कुछ ही ब्लॉक दूर कोई चल रहा था। वो इसी ओर आ रहा था। उसकी चलने की चाल कुछ अस्वाभाविक थी। उसने कुछ घर पास किया। वो दाएं बाएं बिना देखे सिर्फ नीचे देखकर चल रहा था, जैसे जैसे मैं अपने घर के करीब आ रहा था, मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। तुरंत दौड़कर मैं अपने घर में घुसा और दरवाजा बंद किया। मैंने घर के खिड़की से उसे घर के सामने से गुजरते हुए देखा। मैं घबराकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वो यहां से चलते हुए आगे निकल जाए, लेकिन वो मेरे घर के ठीक सामने आकर रुक गया। वो मेरे घर की ओर घूमकर खड़ा हो गया और बस घूर रहा था। उस आदमी के सर के जगह पर सिंग वाले बकरे की खोपड़ी थी। उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। मैं घबरा कर सोचने लगा कि इसे आखिर क्या चाहिए। उसने अपना हाथ धीरे से उठाया और मेरी ओर उंगली कर इशारा करने लगा। मैं घबराकर पीछे हटने लगा और तभी अचानक वो जोर से चीखने लगा। उसकी इसी आवाज से मैं घबराकर सपने से जाग गया। मुझे दोबारा सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने टीवी ऑन की और लोकल न्यूज चैनल देखने लगा। जैसे ही मैंने न्यूज सुना, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। ब्रेकिंग न्यूज, शहर के बसेरा एवेन्यू में रहने वाली महिला का हुआ खून। हमारे संवाददाता वहां मौजूद है, चलिए उनसे बात करते हैं। अब तक पता चला है कि पुलिस को रात के 1 बजे किसी अनजान व्यक्ति ने कॉल कर हादसे के बारे में बताया। पुलिस जब विक्टिम के घर पहुंची तो डेड बॉडी के पास से ये कार्ड बरामद हुई। जिस कार्ड को उस व्यक्ति ने पकड़ रखा था, उसमें उसी सींग वाले खोपड़ी के आदमी की इमेज थी। इतने में उस रिपोर्टर की आंखों और मुंह से खून बहने लगा। मैं डर से कांपने लगा। बसेरा एवेन्यू यहां से बस 3 ब्लॉक के दूरी पर था। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से कुछ महसूस हुआ। मैं बेड से उतरकर खिड़की की ओर दौड़ा और बाहर देखने लगा। मैंने देखा वो वहीं बाहर खड़ा था और मेरी ओर ही देख रहा था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।